है घर का कुनबा, उनको बता दे, किसी को भी नहीं बताएगी। ऐसी कोई दिक्कत थी नहीं उसको खाने की, सबके साथ हंसी मजाक कर भाई देख सको। मतलब अपने कुत्ते ने इस टाइम अपने हाथ में ले रही है, वो कैसे पाल पाएंगे आप? क्या कुल पालना तो पड़ेगा बेटा, मेरे बेटे की किस्मत में नहीं लिख रखा है तो देख। आज फिर ये बताओ आप, अभी से मैं स्कूल खुला रही हूँ, गा का बांध रखे बेटा। रो मत आंटी, रो मत, रो मत। अब उनकी सासू है, उनका रो के बुरा हाल है बेटा, मेरे पोते ने माँ मिल जाएगी बढ़ाऊंगे वे उनके घर के उतनी बढ़ाऊंगे वे। मेरी ओर तक कुछ बात नहीं बढ़ रही, मैं तो चाहूँ अभी आ जा मेरे घर में, मेरे तय नहीं बताऊंगे। मान लो घर के ही कुछ कह दे और मेरे तय वाह नहीं बताओगी तो मैंने बात का पता कैसे चलेगा, निकालू तब मेरी गलती है मेरे घर वालों की। अगर मैंने घर वालों को नहीं बोला और फिर भी ये मान नहीं हरकत कर रहे है कुछ, तो मेरे को तो बताया जाए उस बारे में, हमें किसी को पता ही नहीं। तू आना जाना कर और वरना बेशक मत करे, तेरे घर के मन उस तभी कोई लालच नहीं, पर तू आगे अपने बालका न संभाल। हम जिसे पहला थे उसे ही बह और उसा ही आगे कमाऊंगा अपना बढ़िया जिंदगी। जय रानी देखने वैसा दर्शकन विक्रम की राम राम और भी आपसे विकास स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज आपको बताना चाहूँगा कि आज मैं पहुँचा हूँ भाई सोनीपत जिले के गांव फरमाना में। तो सोशल मीडिया पर एक मामला है, काफ़ी वायरल हो रहा है, इनकी भी जो 1.5 महीने का जो छोटा है बच्चा है, जो लड़का है, और 2.5 साल की जो लड़की है, जो इनकी मम्मी है वो छोड़ कर चली गई है। और आज हम पहुँचे हैं जानने के लिए पूरा मामला है क्या, इनकी जुबानी हम जानना चाहेंगे ऐसा क्या हुआ कि भाई जो अपने पति को और उनके साथ उनके बच्चे थे उनको छोड़कर चली गई, बात करना चाहेंगे। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। तो भाई साहब जी आप ये बताइए कि पूरा एक जो मामला है शुरू से लास्ट तक बता दो, आपके साथ है ऐसा क्या हुआ कि जो आज जो 1.5 महीने जो छोटा बच्चा भी लड़का है और जो लड़की है वो भी बेचारी देख लो बिन माँ की होगी, तो इसका क्या मामला है दर्शकन पूरा बता दे। भाई सारे भाइयों राम राम, मेरा नाम प्रवीण, मैं सोनीपत का रहने वाला हूँ, गांव मेरा फरमाना। भाई मैंने 4 साल पहले कोर्ट मैरिज की थी सन 2019 3 मई को, मैं नरेला रहता था। कोर्ट मैरिज करने के बाद मैं अलग से रहने लग गया, हमारा परिवार बहुत अच्छे तरीके से रहता था, मियाँ बीबी, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं थी और ना ही आज है। हमारी लड़की हुई 2020 में 25 मई को, एक गुड़िया होगी। उसके बाद भी हमारा परिवार ऐसे ही चलता रहा अच्छे से, किसी से कोई वो नहीं, अपना रेंट पे रहता था मैं नरेला। उनके घर वाले राजी नहीं थे मेरी कोर्ट मैरिज से, मेरे घर वाले राजी थे। हालांकि उसके बाद भी उनके घरवाले दादा दादी बुआ ताऊ बड़ी मम्मी उसकी सारे आते थे जाते थे घर पे, त्यौहार पे कोथड़ी सीधा सब कुछ दे के जाते थे, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं थी। ये अब 6 महीने पहले की बात है, 4-5 महीने के करीब की बात। राजेश है जटवाड़े का, पूर्व सरपंच है खानपुर की पूनम, जो सगी मौसी है उसकी, इसकी मम्मी की सगी बहन है। उसके फादर आज भी एग्री हैं पर उसकी मदर नहीं है एग्री, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, उनके पास है पैसा। पैसे से सब कुछ खरीदा जाता हो तो आप बता दो, या मेरे को कोई बंदा आके ये बता दे भाई पैसे के बलबूते पे ज़िंदगी चलती है, पैसे के बलबूते पे चलती है तो ये 2 बच्चे क्यों पैदा कर दिए उसने? मैंने तो अकेले ने नहीं किए, उसकी रजामंदी थी तभी तो ये 2 बच्चे पैदा हुए हैं। ये 6 महीने से उसके दिमाग में ये बात डाल रखी थी इन तीनों ने, सुनीता उसकी मम्मी का नाम है, फादर का नाम किरसन है, दादा का नाम रण सिंह, रहने वाली वो सिंगू की है। इन तीनों ने ये बात डाल रखी थी उसके मन में, अब तेरा रिश्ता तेरे भाई का रिश्ता जो हुआ है वो शर्तों पे हुआ है, वो इसकी मौसी ने कराया पूनम ने अपनी फुफस की लड़की के साथ, आजा हम इस रिश्ते को तड़वाएंगे। मेरी वाइफ के दिमाग में ये बात डाल रखी थी, मेरी वाइफ मेरे को बताती थी, उस पर आज भी मेरे को भरोसा है। अब ये पता नहीं अब वो उसके दादा मिस गाइड कर रहे थे उसको या किस लिए कर रहे थे, उस टाइम मेरा बच्चा था 7 महीने का उसके पेट में, तो उन्होंने ये बात डाल ली तेरे मम्मी पापा ये बोल रहे हैं अब तू लड़के को लड़की को छोड़िया, 2.5 साल की गुड़िया है जो मेरी उसको छोड़िया और मेरे को छोड़िया, हम बच्चे को गिरवा देंगे, तू आ जा हम तेरा दूसरी जगह ब्याह कर देंगे बढ़िया पैसों वालों के पास। मखा वो मेरे को बार बार कहती थी मैं जाऊंगी और मैं आऊंगी जरूर, मेरा वेट करियो। अरे मखा क्या करेगी यार, किस वेस पे जाएगी ये बता, जब तेरे माँ बाप को नहीं दिख रही तू तो तेरे दादा दादी इतनी क्यों कर रहे हैं,
वो तो हमारा घर भी कटवा देंगे इसका मतलब। और वो इस चाल में कामयाब हो गए क्योंकि 1.5 महीना पहले वो चली गई थी, अब मैं दादी के पास जा रही हूँ, तो सीधा अपने घर चली गई। तो शाम को पुलिस वाले आए मेरे घर, मैं अकेला था। पुलिस वाले बोले भाई तूने मार पिटाई करी। मैं कहा सर कौन कह रहा है। मैं कहा 8वां महीना पेट में ही लग रहा है उसके, उसको मैं मारूंगा, उसको भी खतरा, उससे पहले उसकी माँ को खतरा, मैं ऐसा काम करूंगा क्यों, किस वेस पे मारूंगा यार, मेरा लालच क्या है। हाँ ये 2.5 साल की गुड़िया थी। अच्छा तो मैं क्यों मारूंगा उसको, कोई तो रीजन होगा, या प्रॉपर्टी का हो या कुछ हो। मैंने 4 साल में उससे 10 रुपये नहीं मंगाए, मैं अपना गुजारा अपने तरीके से अच्छा कर रहा था, अपना जो मेरा काम धंधा मैं उससे बढ़िया अपनी लाइफ जी रहा था। तो उस मकसद में वो हो गए कामयाब। उसके बाद भी अगर उनके घर को अपनी इतनी इज्जत लगती है, वो अगर उन्हें अपनी इज्जत की परवाह होती, इसके दादा को रण सिंह को और इसके फादर किशन को, सुनीता को, इसकी माँ को, इसकी पूनम मौसी को जो पूर्व सरपंच है खानपुर की, अगर उनको अपनी इज्जत समझती हो अपनी लड़की को, तो वो अपने घर रखती। या से 1.5 महीना जब पेट में था, 8 महीने का बच्चा ये पेट में था, वो अपने घर नहीं ले गए, राजेश के घर रखी उन्होंने 1.5 महीना, जब तक ये लड़का नहीं हुआ। क्यों रखी, क्योंकि उनकी बेइज्जती होती, इतनी बेइज्जती लगी उन्हें 4 साल पहले, नहीं उन्हें बेइज्जती महसूस हुई। अगर हमारी लड़की ने ऐसे कोर्ट मैरिज की है, और फिर भी मैंने उनके घर पे छोड़ दी थी वो 2 महीने के लिए, मगर 12th के पेपर दे देगी तो मैं अपने घर वालों को भेज दूंगा। अगर मेरे को भागना होता तो मैं लेके उसी टाइम नहीं भाग जाता उसके घर से, फिर वे थाने में भी लिख के दे आए, तो रह कहाँ गया, समस्या कहाँ थी। ऐसा तो नहीं हुआ कि कभी आपका और आपकी जो पति पत्नी थी झगड़ा हुआ हो कभी? नहीं, ऐसा कोई मैन मोटिव झगड़े का नहीं, छोटी मोटी बातें हर घर में चलती है, सिर्फ वो भी इस वेस पे होती थी। वो ये कहती थी तू मेरे को मेरे घर वालों से बात करने के लिए रोकता है। मगर मैं रोकता नहीं, मैं ये बात कह रहा हूँ, अगर तेरे दादा दादी आ रहे हैं उनको बुराई मत डलवा, अपनी रिश्तेदारी में बुराई मत डलवा। अगर उनको आना तो सीधा खुल के आ, ओपन हो, ताकि तेरे माँ बाप को भी पता चले, बिल्कुल ओपन आ रहे हैं। और उनको पता भी था, पर वो मानती नहीं थी। मगर चल ठीक है, नहीं मानती तो तू करे जा बात भाई, मेरा क्या है, मगर तू खुश रहनी चाहिए। अच्छा, बात किससे करती थी? अपनी दादी से भी करती थी, अपनी बुआ से भी, अपनी ताऊ जी से भी, अपनी बड़ी मम्मी से भी, अपनी सिस्टर रानी से भी। अच्छा, जिनसे बात करती थी फोन पर, क्या वे आपके घर पर भी आते थे उनका परिवार? हाँ जी बिल्कुल, घर पे भी आते थे, पोछी भी बंधवा के गए हैं, सीधा कोथड़ी सब कुछ पहुँचाते थे, माता भी पिता भी। हाँ, जो उसके बड़े माम पिताजी हैं वो आते थे, सगे जो इनकी परिवार से ताऊ चाचा। हाँ ताऊ चाचा, पिता वो नहीं आए कभी, खुद के पिता और माँ और बाप शादी से पहले मिलके गए हैं, शादी से पहले वो भी इसलिए मिलके गए, अग भाई अपने लड़के को देख लो, तुम्हारा लड़का हमारी लड़की से बात करता है। तब भी हमारे घर वालों ने एक ही बात बोली थी, तुम अपनी लड़की को समझा लो, हमारा लड़का बात नहीं करेगा। तो वो नहीं मानी, मैंने उसको एक ही बात बोला था, अगर तेरे को शादी करनी है तो मेरे से बात कर, वरना क्यों टाइम पास अपनी भी बेइज्जती करवा रही है और मेरी भी बेइज्जती कर रही है। तो वो बोली मैं साथ दूंगी तेरा, तो मैं कहा ठीक है तू साथ देगी तो मैं भी तेरा साथ दूंगा, मैं छोड़ दूंगा नहीं। और आज उसने मेरे को बीच रास्ते में छोड़ दिया, ये साथ थोड़ी ना, 2 बच्चे पैदा कर दिए और छोड़ दिया, अब उसको अपने माँ बाप दिख गए, ये बच्चे नहीं दिख रहे, ये भी तो किसी के अच्छा फिर बेटे हैं। आपने हैं प्रशासन को इसकी जानकारी दी है या फिर रिपोर्ट दर्ज कराई आपने? मैंने 9 तारीख को भी अपनी चौकी में फरमाना में FIR दी थी। उन्होंने बोला 8 बजे अगर तेरी वाइफ अपने मायके है। मगर सर वे कैसे ले गए, जब मेरे पास ये देखो ये डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास सारे, जब मेरा लड़का, ये डॉक्यूमेंट किस चीज़ के बताओगे आप? ये डॉक्यूमेंट्स वो है, जब मेरा लड़का हुआ तो उसके फादर ने स्टेप करवा के सारी चीज लिखवा दी थी। अगर हमारा हमारी लड़की से कोई वास्ता नहीं है, ना इसका मायको वालों के साथ कोई रास्ता है, अपनी मर्जी से ये तेरे साथ जा रही है, चाहे ये जिए चाहे मरे, हमारा कोई मतलब नहीं है इससे, और ना ये हमारी रिश्तेदारी में फोन करेगी ना कॉन्टेक्ट करेगी। मगर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, उसके फादर के साइन ये रहे, किशन कुमार के मैं दिखाना चाहूंगा उसमें। दोस्तों मैं भी थोड़ा आपको है नजदीक से आपको दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं, ये देखिए भाई, ये देख सकते हैं आप भी जी। उसके बाद मैं 9 तारीख को गया हूँ, मगर सर ऐसे ऐसे बात है, जब उसके माँ बाप ने मेरे को लिख के दे दिया है तो फिर वो कैसे ले गए बगैर बताए, पीछे से कैसे उन्होंने एडमिट वो करा दी, मेरे को तो नहीं पता वो एडमिट करा रखी है, मैंने अपनी पॉलिसी ले रखी है, अपने पैनल में एडमिट कराता अगर उसको कोई दिक्कत थी। पुलिस वाले बोल रहे हैं उसके फादर से बात हुई है और उसके तेरे साले से बात हुई है, अब मंडे को वो लेके आ जाएंगे, हमें 2 दिन का टाइम दो, हमारे घर में मौत होगी कभी वो एडमिट कह रहे हैं। मगर सर मंडे का किस चीज़ का टाइम, जब उन्होंने लिख के दे दिया, इन कागजों की कोई वैल्यू नहीं है। पुलिस वाले बोल रहे हैं नहीं इनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो उनकी लड़की है,
तो क्या पुलिस प्रशासन है कार्रवाई नहीं कर रहा है? बिल्कुल कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहा। अनम आईओ है वो, बल्कि मिसगाइड और कर रहा है। सैटरडे को उसने बुला लिया मेरे को शाम को 2 बजे के आसपास, अब तू आ जा बसीवल लाइन में आ जा, बालगढ़ आ जा, मैं तेरे साथ चलूंगा, बच्चों को हैंड ओवर करवाऊंगा। हम वहाँ पे 5:30 बजे तक खड़े रहे और फिर कहता है मैं 2 मिनट दे मेरे को, मैं अभी आया, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया 2 मिनट के बाद। मगर सर क्यों पागल बना रहे हो आप, मिस गाइड क्यों कर रहे हो मेरे को, 1 महीने का बच्चा, अगर इसको ठंड लगी कौन जिम्मेवार है इसका, प्रशासन या उसकी माँ? अगर इसको कुछ हो जाता है वो भी केस डाल देंगे, प्रशासन भी 1 मिनट में कार्रवाई कर देगा, क्योंकि लड़की केस डाल रही है। अब लड़का केस डाल रहा है तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज मैं तंग होकर के धर धर धक्के खा के आज SP ऑफिस में भी ये कंप्लेंट दे के आया हूँ। 13 तारीख ये रही मेरे पास रिसीव दे जो गए थे और SP को भी देखते अभी वहाँ पर ये मामला लेकर के गए हैं और फिलहाल अभी आप देख सकते हैं क्या कुछ है जो फिर आप आज SP ऑफिस में पहुँचे थे, क्या कुछ आश्वासन आपको दिया? उन्होंने कहा जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। मगर सर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, सबसे पहली कार्रवाई तो ये की जाए ताकि मेरे बच्चे माँ के हैंड ओवर किए जाएँ, ताकि इनको सर्दी है, ऊपर से सर्दी है, मैं ड्यूटी जाऊँगा या इनकी देखभाल करूँगा। मम्मी को 10 साल से कैंसर है, 10 साल से भी ऊपर। ये अपनी, हाँ जी, ये अपनी देखभाल करेगी, बच्चों को पालेगी। मगर इन बच्चों को हैंड ओवर किया जाए, बाकी जो मसला है वो आमने सामने बैठ के सुलझाया जाए, ऐसे भागने से सुलझाया नहीं जाएगा। दो बच्चे हो गए हैं, पिता भी आप? हाँ जी, पिताजी है, वो अपनी ड्यूटी गए हुए हैं, मैं अपनी ड्यूटी छोड़ के बैठ। अच्छा, जिस दिन जो आपके पत्नी, नाम क्या है बताएंगे? ज्योति। ज्योति, जो आपकी जो पत्नी है ज्योति, जब वो घर से निकली थी तो उस टाइम घर पर कौन कौन थे? उस टाइम पर, जिस टाइम वो निकली है उस टाइम पर मैं सो रहा था और मेरी मम्मी बाहर वाले कमरे में सो रही थी, बच्चा मेरे पास लेट रहा था, ये सो रहा था, और गुड़िया भी। ये बच्चा जब रोता है मेरे को तब पता चलता है कोई है या नहीं। मैं बोला मम्मी ज्योति कहाँ, मैंने 3-4 आवाज़ें लगाई, घर में कोई नहीं था। मम्मी उठी, आस पड़ोस में देखा, नहीं पता चला, तो मम्मी आगे कोने पे पूछ के आई, वो काकी लगती है मेरी, उससे पूछा तो वो बोली एक आधे घंटे पहले तुम्हारी लड़की टीले की साइड गई थी। तो फिर मैं तुरंत उठा और मैंने तुरंत कंप्लेंट डाली। तो अच्छा, लगभग जो आपकी पत्नी है ज्योति कितने बजे घर से निकलती है? लगभग 1:30 बजे के आसपास दिन में निकल जाती है। हाँ जी, दिन तो में। तो फिर आप रिपोर्ट कितने बजे दर्ज करवाते हैं? 2 बजे के आसपास, क्योंकि मेरी 2 घंटे के बाद आप रिपोर्ट दर्ज करवा देते हो। हाँ जी, मेरी 2 बजे आँख उखड़ी है, 2 बजे मेरी आँख उखड़ी है, जब बच्चा रो रहा, जब मेरे को नहीं पता चला, मैं अड्डे तक भी देख के आया हूँ 2:15 के आसपास। मैं फिर आप बोल रहे हो कि 1:30 बजे तो है जो आपकी फुटेज में आई है वो। अच्छा, वो फुटेज में आई है। हाँ। नहीं, उठे क्या आप? जी हाँ, मैं 2 बजे के आसपास, 2:05-10 के कंफर्म, ये 2 बजे के आसपास कंफर्म उठा हूँ मैं। 1:30 बजे तो आपने हैं कैमरे चेक कराए हैं? मैंने कैमरे रात को चेक किए हैं, उसमें फुटेज में आ रहा है जो टाइम दिन का। हाँ, उस दिन रात को, उस दिन 2 बजे किए हैं। रात को मैंने 9 बजे के करीब जाके, 9 बजे के करीब आपने वो चेक किए हैं, 1:30 बजे आप उठ गए थे। हाँ, 2 बजे मैं उठ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, 2 बजे उठ गए थे आप। हाँ जी, 1:30 या 2 के बीच में आप उठ गए थे। हाँ जी। और रिपोर्ट दर्ज किस समय कराते आप? मैं ये